नमस्कार दोस्तों, रेएजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को यह जानकारी होगी कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो आध्यात्म के प्रतीक थे और अपनी विद्वता के कारण से ही इन्होंने 1893 ईस्वी में भारत की तरफ से अमेरिका के शिकागो में आयोजित होने वाले धर्म महासभा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वहां पर उपस्थित विद्वान एवं विदुषियों को अपने प्रखर वाचन से प्रभावित किया तथा देश का नाम पूरे वैश्विक स्तर पर पहली बार स्थापित करने का कार्य किया। क्योंकि वह ऐसे तेज, ऐसे अध्यात्म, ऐसे ज्ञान के प्रतीक हैं जिनके ज्ञान और जिनके संदेश को भारत के सभी युवाओं को जानने की आवश्यकता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किंतु भारत सरकार के द्वारा इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनके जन्म जयंती तथा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की बातों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए इसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव का दर्जा दिया गया है और इस वर्ष का राष्ट्रीय युवा महोत्सव 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसका प्रारंभ कर्नाटक राज्य के हुबली धारवाड़ से किया जाएगा, जहां पर इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे के मध्य किया जाएगा और इस कार्यक्रम के प्रसारण हेतु एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से संबंधित एक लिंक pmindiawebcast.nic.in को सभी राज्यों के साथ तथा सभी विद्यालयों के साथ साझा करने पर बल दिया जा रहा है, ताकि इस महान व्यक्तित्व से संबंधित इस कार्यक्रम पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाना संभव हो सके। इस हेतु भारत सरकार के सचिव युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की तरफ से 9 जनवरी 2023 को पत्र जारी किया गया है और इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सभी विभागों को 10 जनवरी 2023 को पत्र लिखा गया है तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जनपदों को यह पत्र 11 जनवरी 2023 को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि सभी विद्यालयों में इस लिंक को साझा किया जाए तथा इस महान व्यक्तित्व से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाना संभव हो सके, ताकि राष्ट्र के विकास में युवाओं के महत्व को तथा अमृत काल में इनके भूमिका को रेखांकित किया जाना संभव हो सके। इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो इनके व्यक्तित्व से संबंधित हो तथा युवाओं के द्वारा देश के विकास में सामुदायिक और राष्ट्र के भावना को विकसित करने के लिए किस हद तक भूमिका निभाया जा सकता है, इससे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न स्तरों पर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को महत्वपूर्ण लगी होगी और इससे संबंधित जो भी कार्यक्रम मनाया जा रहा है उसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि एक तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाले जो है व्यक्ति के द्वारा देश, राष्ट्र और समाज के विकास में किस तरीके का योगदान दिया गया है और भविष्य में आने वाले भारत के युवा किस तरीके से इन विचारों को आत्मसात कर सकते हैं तथा समाज, देश और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, इस हेतु इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद।